नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के सोहिया बीड़ में दो दर्जन के करीब बैल व गायों की रहस्यमयी ढंग से हुई मौत, कुछ बैलों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संगरूर के गांव तुर बंजारा का बस स्टैंड और स्वागती गेट लोगों के आकर्षण का बना केंद्र, गांव के सरपंच के प्रयास की लोग कर रहे तारीफ। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में लगने वाले मेले के झूलों के पास गुजर रही हाई वोल्टेज तारें, भीम एक्शन कमेटी ने लिया कड़ा संज्ञान। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर की सोहिया बीड़ में दो दर्जन के करीब बैल और गौओं की रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इनकी मौत होने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, तो वहीं मारे गए बैल व गौओं को जेसीबी मशीन की मदद से दफना दिया गया और कुछ बैलों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि पता चल सके कि बीड़ में इन जानवरों की मौत आखिरकार हुई कैसे, क्योंकि बीड़ में कई तरह के जानवर रहते हैं और मौत सिर्फ गायों और बैलों की हुई है, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या कोई हरे चारे में इन्हें कुछ डाल कर गया है या फिर इसका कोई और कारण है। फिलहाल प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। कोई कहदा होता है नहीं जी, बाकी कहना मतलब जने कोई हरा चारा गलत खान नाल जो हो गया गेट ते कोई कर्मचारियों नु पुछना चाहिए। हां, कर्मचारी फिर जेडे हुन पुराने उरे बंदे ने उरे नवी नवी पैदावार क्यों नहीं भर्ती होंदी? देखो जो हम आप रजिस्टर तो लाने कि भी आ ट्राली जा रही, आ ट्राली का नंबर है, ये चीज़ा ना आप फिर करना चाहिए कि ना चाहिए। बाकी देखो सर, जिन्हें ढट्ठे मरे ने सारे ढट्ठी मरने के गुआ ही मरिया ने? गुआ किन्ने के ने? अच्छा जी, तो हम की कहना चाहते हो रिपोर्ट तो बाद? संगरूर के दड़बा क्षेत्र के गांव तुर बंजारा का बस अड्डा और स्वागती गेट आजकल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बस स्टैंड की खूबसूरत दिखावट प्रत्येक राहगीर को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो नौजवान हो या फिर विवाहित जोड़ा, हर कोई इस बस स्टैंड पर रुककर सेल्फी, फोटो और रील बनाकर जाता है। हम आपको इस गांव के सरपंच हरप्रीत सिंह से मिलाने जा रहे हैं, जिनके गांव की चर्चा पंजाब ही नहीं बल्कि देशों विदेशों में भी हो रही है, क्योंकि इस नौजवान सरपंच ने कुछ काम ही ऐसा किया है। इस दौरान सरपंच हरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके मन में ख्याल आया कि पुरानी निशानियां खत्म होती जा रही हैं, चाहे वह हवेली हो या अन्य इमारतें, इसलिए उन्होंने गांव के बस स्टैंड को कुछ अलग बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बड़ा गर्व महसूस होता है जब उनके द्वारा किए गए प्रयास की लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि गाँव के इस बस अड्डे पर लोग रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और रील बनाकर जाते हैं। तो वहीं जब वहाँ फोटो खींच रहे नौजवानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुरातन समय में ऐसी इमारतें दिखाई देती थी और अब ये बस स्टैंड आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस गांव के सरपंच की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਤੂਰ ਬੰਜਾਰੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚਰਚੇ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਰੱਖਤੀ ਮੂਹਰੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ? ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਸਿਆਣਾ ਅਕਲਵੰਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਦਲਦੀ ਹੈਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਦਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ, ਸਾਰੀ ਦਿਸ ਬਦਲਤੀ ਬੇਟਾ, ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜੰਮੀ ਪਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਤੀ। ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਾਂ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਧਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚਰਚੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਪੰਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੱਖਾ ਵਗੈਰਾ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਅਵੈਨਿਊ ਮੇ ਲਗਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਲੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਓ ਮੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋ ਅਨਦੇਖਾ ਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰੋ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੜੇ ਝੂਲੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭੀਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਭੀਮ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮੇ ਯੇ ਮਾਮਲਾ ਲਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਮੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਝੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰੋਂ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਘਟਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮੇ ਯੇ ਮਾਮਲਾ ਲਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋ ਇਸ ਮੇਲੇ ਮੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਮੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਤਿਸ਼ ਭੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਭੀਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਲਾ, ਇਹ ਝੂਲਾ ਲੈਣਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਝੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ, ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਨੀਚੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥੋਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸਵੇਰ ਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਮੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਡੇਂਗੂ ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀਓ ਸੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਤੀ ਠੰਡ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵ ਸਰਦੀ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀਓ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਾਤ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ SMO ਸੁਨੀਲ ਚਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਔਰ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਮੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਓ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੱਚੋਂ ਵ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਲੋਗੋ ਕੋ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਨੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਾਊ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਲੋਗ
थोड़ा कमीजा चलते सके हूँ एकदम बारिश का प्रकोप बढ़ गया तो पारा थले हो गया क्योंकि अपनी जान मान का आप ध्यान रखना चाहिए ना बीमारी तो बचना चाहिए बाकी अपना ख्याल आप ही रखना पैना ना हूँ जरा ठंड का पारा है वह थले गिर गया तो लोगों अपने आप अपना ध्यान आप रखना चाहिए। बीती रात तो जी अपने पठानकोट जिले में बरसात हो रही हैगी है ये मैं कहना चाहवागा कि जेडे ये टैंपरेचर कमी आएगी इस दे नाल ही जिहड़े डेंगू ते चिकनगुनिया दे थोड़े बहुते केस रह गए हैं उन्हां च वी बहुत ज़्यादा कमी आने की उम्मीद हैगी है। इस तो अलावा जिहड़े सर्दियां दी प्रॉब्लम्स हैगीआं लोकां दीआं जिवें खांसी जुकाम बुखार हैगा ये केसिस वधण की उम्मीद हैगी। मेरी लोगों अगे यही अपील हैगी है कि सर्दी तो अपना बचा करन ऊनी कपड़े पाउन ते बाहर तां ही निकलण दी जरूरत हैगी। NSQF स्कीम के तहत सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव खामरा जालंधर के 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की ओर से उत्तर भारत के प्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक सवेरा के प्रकाशन कार्यालय की विजिट की गई। इस दौरान अध्यापक मंजीत कौर, सुमन बाला, सुरेश कुमार की अध्यक्षता में बच्चों द्वारा ये जानकारी हासिल की गई कि कैसे एक समाचार पत्र छपता है। इस मौके पर बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक समाचार पत्र के छपने की बारीकियों के बारे में जानकारियां हासिल की। इस अवसर पर मैडम सुमन बाला और मंजीत कौर ने कहा कि उनके द्वारा अपने स्कूल के बच्चों को दैनिक सवेरा के प्रकाशन कार्यालय का दौरा करवाया गया है जिसमें बच्चों ने ये जानकारी हासिल की है कि एक अखबार को छापने में कितनी मेहनत, कितनी मशीनें और कितने वर्कर लगते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे ये सब देखकर काफी प्रभावित हुए हैं और वे भविष्य में भी दैनिक सवेरा के प्रकाशन कार्यालय में विजिट करते रहेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। असि आज मिती 30/11/2023 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खामरा वालों दैनिक सवेरा दे विजिट किया। इतने आके असी बच्चों नूं ये दिखाया कि न्यूज़पेपर जिहड़ी है किस तरह छपदियां ने ते एक न्यूज़पेपर नूं छापण लई किन्नियां मशीनां, किन्ने वर्कर, किन्ने आवर, किन्नी मेहनत है वह बच्चों ने देखी है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंप्रैस हुए हैं। बच्चों ने वर्कर्स की मेहनत देख के देखा कि एक न्यूज़पेपर जो कि असं कभी हादसा वर्ग सुनते हैं कोई रैप करके लिया मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे इंप्रैस होए हैं उन्होंने मेहनत तो। नैक्सट टाइम भी असं जो विजिट करना है दैनिक सवेरा के जुड़ा इन्हों के स्टाफ का इन्होंने वर्कर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। जालंधर के गुलाब देवी अस्पताल में अब गुलाब आयुर्वेदिक एवं पंचकर्मा सेंटर खुल गया है जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर उर्वशी अरोड़ा की ओर से अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर उर्वशी अरोड़ा ने बताया कि जो पंचकर्मा होता है उसमें 5 तरह की थेरेपीज होती हैं जिससे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में मनुष्य का खान पान और रहन सहन बहुत बदल गया है जिससे मनुष्य के शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं जिसके चलते इन सब को ध्यान में रखते हुए पंचकर्मा के माध्यम से टॉक्सिन्स को रिमूव करके बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके इंस्टीट्यूशन में सभी प्रकार की थेरेपी व इलाज बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्वशी गुलाब आयुर्वेदिक पंचकर्मा गुलाब देवी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। जो पंचकर्मा होता है उसमें 5 तरह की थेरेपीज होती हैं जिसमें हम बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। आजकल हमारा रहना सहना, खान पान ऐसा हो गया है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते रहते हैं जो कि हमारे को रियलाइज नहीं होते और जो अल्टीमेटली हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस में एंड करते हैं, जैसे आजकल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां हम फजूल में अपने साथ पाले जा रहे हैं। किसी के भी आप पूछते हैं तो उनको इनमें से 2 या 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनका कि मेन कारण यही है कि हमारे को अपनी डाइट ठीक नहीं है और हमारा रहन सहन नहीं ठीक है। तो इस सब को हम गाइड करते हुए प्लस पंचकर्मा थेरेपी से आपके टॉक्सिन्स रिमूव करके आपकी डिजीजेस को ठीक करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप कोशिश करें कि हमारे को एक बार अप्रोच करें और जैसे आजकल लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमारे इसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। पैरालिटिक पेशेंट्स हो गए, बैक प्रॉब्लम हमारे को आम हर आदमी को रहनी शुरू हो गई है, तो उसमें हमारी ये थेरेपीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। वेरिकोज वेन्स हैं, खड़े होने से आपको वेरिकोज वेन्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, फिस्टुला की प्रॉब्लम होगी, किडनी स्टोन्स हैं, ये सारों के बड़े नेचुरल वे से हम आपको इनके ट्रीटमेंट्स देते हैं।
तो हमारी जो मेन हमारा यहाँ का टारगेट और फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ट्रीटमेंट ले सकें, उसके लिए हमने अपने चार्जेस बहुत कम रखे हुए हैं। जैसे मसाजेस के बाकी जगह चार्जेस 1000 से ऊपर रहते हैं, हमारा 350 में हम मसाज दे रहे हैं विद बेस्ट ऑफ द ऑयल्स। सो दिस इज़ जस्ट कि हमारा एक चैरिटेबल बेस है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इसमें हमारे को नो प्रॉफिटेबल यूनिट चलाना है, तो उसके कारण हम इसको इतने कम रेट्स पे दे पा रहे हैं। तो अगर आप एक बार आके हमारी थेरेपी लेके ट्राई करेंगे, आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा बाकी इंस्टीट्यूशन से और हमारे इंस्टीट्यूशन से। सो कोशिश करिए कि आप हमारे साथ जुड़ के अपने लाइफस्टाइल को और अपनी बॉडी को ज़्यादा हेल्दी वे में चला सकें। थैंक यू। कार्तिक पूर्णिमा की अंतिम बेला में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित पावन परिक्रमा ने दीयों का गहना पहना तो इस अलौकिक क्षण को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे। इस अद्भुत नजारे को देखकर श्रद्धालु अभिभूत हो उठे। मंदिर की परिक्रमा में सखी परिवार की सदस्याओं ने 21,000 दीयों का उजाला किया, जिसके चलते सारा सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर अयोध्या की दीपावली की तरह जगमगा उठा। इस दौरान सखी परिवार की ओर से मंदिर परिसर में रंगोली भी बनाई गई, जो सभी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी। इस महादीप दान महोत्सव के अवसर पर मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने शामिल परिवारों को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर की छटा को और चार चांद लगाने के लिए बधाई दी और सभी सखी परिवार का धन्यवाद प्रकट किया। इस मौके पर समीर वर्मा, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, सुरेंद्र अग्रवाल, अजय लाली, पवन मेहता, राजू शर्मा, अरुण वर्मा, दमन मेहता, भूषण कोहली, मुनीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री राधे, श्री राधा रानी की कृपा से कार्तिक मास के विश्राम पर श्री देवी तालाब मंदिर में आज सखी परिवार द्वारा महादीप दान उत्सव रखा गया, जिसमें सभी रसिक जनों ने, वैष्णव जनों ने और जलंधर वासियों ने खूब सहयोग किया और पूरे देवी तालाब मंदिर को जगमगा दिया दीपों से। आप सबके सहयोग का बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना साथ बनाए रखना। श्री देवी तालाब मंदिर कमेटी के सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हाँ जी, हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास के विश्राम के उपलक्ष्य पर श्री देवी तालाब मंदिर में महादीपदान होने जा रहा है और सखी परिवार की सभी सखियां जो हैं वो इस दीपदान में दिए सजाकर उनको जला रहे हैं। तो बड़े ही खुशी की बात है कि बहुत से लोगों ने इसके लिए बहुत सा सहयोग किया। तो कार्तिक मास के विश्राम पर सभी जलंधर वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। निताई गौर प्रवनंदे, हरि हरि बोल। निताई गौर प्रवनंदे, हरि हरि बोल। महोत्सव करना ये असि बहुत भागा वाले हैं जो सब लोगों के चरण पाए और सू इन खुशी हुई है देख के। मैं देखो सारिया माता भैन भरा कि महाराणी जो गुरा दिल माँ चरणों च लगे हुए अभी फिर एक बार थोड़े को रिक्वेस्ट करते हैं 22 जनवरी इस तरह ही मुंह हमा के अज तक तुम 21,000 जाने जितने भी दीपक जगाए ने अगली बारी 1,21,000 प्रधान शीतल बिंदी वालों सानू सब लख लख बधाई हो और सब से अगर अरदास करते ऐसा ही महाराणी सू चढ़ दिया खड़े रखे और ऐसा ही सखी परिवार होर वादा फुले साड़ी थोड़े अगे बेनती है और महाराणी का लंगर तैयार है। सब लंगर भवन च जाके प्रसाद ग्रहण करके जाना ये साडे वास्ते बहुत सौभाग्य की बात है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। Oh,
माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगला मुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान चेतन नाथ मेहता से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डलवाई। तो वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण होती के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों को भगवान के प्रति आस्था के भावों का व्याख्यान करते हुए कहा कि आस्था वह विश्वास है कि ईश्वर या तो हमारे साथ चलेगा या गोद में लेकर। आस्था का स्थान आपका हृदय है, जिसे आप खुद ही बनाते हैं। आपकी पांचों इंद्रियों से जाने वाला कुछ भी आपकी आस्था को नहीं छू सकता, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच दिल तक नहीं है। आस्था हृदय की बुद्धिमत्ता है, जबकि विश्वास मन की। हृदय को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। हृदय हर अनुभव से अपनी आस्था की जड़ें मजबूत करता है, जबकि मन हर अनुभव का इस्तेमाल अपने विश्वास के आधार को कमजोर करने के लिए करता है। हर सफर की शुरुआत एक आस्था है। यह आस्था कि हम पहुंचेंगे, सफल होंगे, आस्था उस पर विश्वास करने की क्षमता है, जिसे हम देख नहीं सकते, जो अभी हुआ नहीं है, जिसे अभी साबित नहीं किया जा सकता। अगर आस्था का मतलब वह है जिसे आप देख नहीं सकते, तो उसका इनाम ये होगा कि एक दिन आप उसे देखेंगे, जिस पर आपको हमेशा से विश्वास था। वहीं आस्था के भाव से नवजीत भारद्वाज ने आई हुई समस्त संगत को भाव विभोर किया। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, बलचंदर सिंह, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप उदय, अजीत कुमार, गुलशन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूप वाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्यामलाल, एडवोकेट राजकुमार, अभिलक्ष्य चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, गौरी, केतन, रिंकू सैनी, दिनेश शर्मा, अजय मल्होत्रा, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, सुनील जकी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आस्था भाव व्याख्या किया जाता है। ईश्वर है या सा अपने बोध लैके चलेगा, इस बुद्धि भी बनाए हैं, क्योंकि जिन्हें इंद्रिय है उन्होंने पहुंच जरूरत नहीं होती। अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के कोल स्थित है, उत्थे माँ के इस भव्य मंदिर के हवन यज्ञ जो किया गया। ये लगातार जोड़े वीरवार होंगे हवन यज्ञ, उन्होंने एक कड़ी के एक नव हवन यज्ञ से, और बहुत जोड़े श्रद्धालु सवेर तो ही बहुत दूर दूर तो अलग अलग स्टेशनों को, कोई नवें शहर तो, कोई हुशियारपुर तो, कोई कपूरथले तो आए हुए थे, और उन्होंने आ के माँ के इस भव्य मंदिर के जोड़ा हवन यज्ञ किया और उनके आहुतियां पाइया, और माँ का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। महामाई उन्होंने कृपा बनाई रखे, सारे परिवार खुश रहन और तंदुरुस्त है। जयकारा बगला मुखी माता जी का। जय माँ बगला मुखी जी। अज माँ बगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के भव्य मंदिर के
सवेर तो बरसात का मौसम सी और जिन्ना महामाई ने अपने भगतों नू जिदा कहिंदे भी मेहर भरिया छिट्टे मिलते हैं उदा भगत लोग सारे सवेर तो ही आके हवन यज्ञ दे विच लालायत सी हवन यज्ञ च आहुतियां डालन लई और बहुत सारी संगत पहुँच के मीह पैंदे दे विच भी आके हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये नाल नाल मैं दसना चाहना कि शनिवार जिहड़ा हवन यज्ञ शाम नूं हुंदा सी हुण उहदा समय मौसम करके परिवर्तित करता गया सवेरे 7 बजे तो 8 बजे करता गया। कोई भी महानुभाव उहदे विच निःशुल्क हुंदा हवन यज्ञ और आके उच आहुतियां डाल सकदा। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 31 दिसंबर रविवार का दिन आ रहा उस दिन वड्डा एक अलौकिक हवन यज्ञ सवेरे 9 बजे तो 12 बजे तक होएगा और शाम नूं 9 तो 12 महामाई की एक विशाल चौंकी एक शाम माँ बगला मुखी जी के नाम के नाल उहदा आगाज़ होएगा। उहदे च महंत अश्विनी शर्मा जी पक्कियां भेटां वाले महामाई के नाल संगत नूं जोड़नगे। मेरी करवत प्रार्थना है कि नवा साल महामाई के चरणों च आके बिताओ और उत्थों ही चढ़ाओ और उहनां दा आशीर्वाद प्राप्त करो। और इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगला मुखी धाम लगातार समाजिक सेवा मानवता की सेवा च अग्रसर है। हर वीरवार को निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सारे भगतों को करवत प्रार्थना है कि पहुंचो पहुंच के हवन यज्ञ का फायदा लो। जय माँ बगला मुखी जी। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ बगला मुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। इस दौरान माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रत्न सिकंदर जी देवेश्वरम अश्विनी कुमार यादव यशिक कालिया राधा अरोड़ा बलजीत कौर नीलम वोहरा अमरजीत कौर सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। वचन मुखं पदं सम्यक् जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिः ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वचन मुखं पदं सम्यक् जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिः ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वचन मुखं पदं सम्यक् जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिः ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वचन मुखं पदं सम्यक् जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिः ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वचन मुखं पदं सम्यक् जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिः ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वचन मुखं पदं सम्यक् जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरिः ॐ स्वाहा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना के साथ इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर बाल व नौजवान गायकों जिनमें वीनू सहगल चीनू सहगल प्रवीण लक्की गोपाल पांडे बिनी सावरिया चंद्र कन्हैया रवि कक्कड़ डॉली राजेश शर्मा मीनाक्षी सुखविंदर ने मां भगवती की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल मंच संचालक बलदेवानंद रमन शर्मा राजू शर्मा पवन मेहता दमन मेहता रमेश मेहता सुनील अरोड़ा अरुण वर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਮਾਰੋ ਰੋਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਮਾਰੋ ਰੋਕੇ ਮੈਂ ਤਾਣੀ ਦੇਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਲੋਕੋ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕੋ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਿਟ ਜਾਵਣ ਤਾਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਤਾਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਭਵਾਨੀ ਕਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ अरब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। संगरूर के सोहिया बीड में दो दर्जन के करीब बैल व गायों की रहस्यमयी ढंग से हुई मौत, कुछ बैलों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संगरूर के गांव तुर बंजारा का बस स्टैंड और स्वागती गेट लोगों के आकर्षण का बना केंद्र, गांव के सरपंच के प्रयास की लोग कर रहे तारीफ। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में लगने वाले मेले के झूलों के पास गुजर रही हाई वोल्टेज तारें, भीम एक्शन कमेटी ने लिया कड़ा संज्ञान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।